लेकिन मैम हम स्टार्ट कर रहे थे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में, इसकी कॉज एंड पैथोजेनेसिस क्या सिलसिला है, जिस तरह से ये डेवलप होता है और पैथोजेनेसिस क्या चलती है, किन जीन में म्यूटेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये भी कैंसर एक क्लोनल प्रोलिफरेशन है। मैंने आपको क्लोनल प्रोलिफरेशन का मतलब पहले भी बताया था कि जब एक टाइप के सेल्स जो है वो मल्टीपल कॉपीज उनकी बनने लग जाए, जो अक्सर कैंसर्स में होती है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है जिनकी मल्टीपल कॉपीज बनने लगे थे, तो उसको हम कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन। के क्लोन हमने वर्ड जब भी इस्तेमाल किए कि क्लोन ऑफ सेल्स हमने बनाए हैं, तो हम कहते हैं कि एक तरह का सेल लेके उसकी ढेर सारी कॉपीज बनानी, उसे कहते हैं कि हमने क्लोन ऑफ सेल्स बना लिए। तो अगर हम कभी भी आप लिखा हुआ देखे ना कैंसर में कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोनल प्रोलिफरेशन, मतलब यह है कि एक तरह का सेल होगा जो बहुत सारी कॉपीज जिसकी बन रही होंगी, और वो क्यों बन रही होंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबरेशंस, क्योंकि उनमें जीन्स में कोई म्यूटेशन आ गई है उस सेल के, या उस सेल को इनकोड करने वाले जीन में कोई म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज बन रही है। और वो म्यूटेशन क्यों आई है, या तो वो म्यूटेशन उसने हेरिडेट किया, वो इनहेरिट की है अपनी फैमिली से, उसकी फैमिली में चल रही थी वो म्यूटेशन, वो उस बंदे ने इनहेरिट कर ली, या तो फैमिलियल हो सकती है, या फिर किसी हार्मोन की वजह से, या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या किसी भी और चीज़ की वजह से उसने एक्वायर की, या तो वही हो सकता है इनहेरिट की हो या एक्वायर की हो म्यूटेशन। तो हमारे पास जो पूरी इसकी आपको डेफिनेशन से लिखी हुई वो ये हो गई, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोनल प्रोलिफरेशन विच रिजल्ट्स ड्यू टू जेनेटिक एबरेशंस आइदर इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स की बात करते हैं। हम बहुत सारे कैंसर्स में पढ़ते हैं कि उनकी फेमिलियल और स्पोरैडिक दो टाइप्स होती हैं। मैंने भी आपको बता दी कि फेमिलियल टाइप हमेशा वो होती है जिसमें आप कोई ना कोई म्यूटेशन इनहेरिट करते हैं, ठीक है, और वो म्यूटेशन होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की। आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में चेक एंड बैलेंस के लिए रखे हुए हैं, कि आपको पता है कि डीएनए रिपेयर एक पूरा प्रोसेस है ना, सॉरी डीएनए की नई डीएनए की फॉर्मेशन और सेल की फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान भी काम कर रहे होते हैं तो उससे गलतियाँ होती हैं, तो ये प्रोसेसेस भी जब हो रहे होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। कभी हो सकता है कोई स्ट्रैंड में ब्रेक रह जाए, कभी कोई जगह पर जीन गलत, कोई अमीनो एसिड गलत लग जाए, तो ये सारी चीज़ें जो चेक एंड बैलेंस करते हैं ना, कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इन जीन्स का काम ये होता है कि जहाँ भी इन्हें लगता है कि डीएनए सही नहीं बना, उसमें कहीं प्रॉब्लम आई है, या तो वो उसकी सिंथेसिस को वहीं रोक देते हैं और उसे फिर ठीक करवाने की तरफ लेके जाते हैं, और अगर उनसे ठीक नहीं हो सकती तो वो उस सेल की ही एपोप्टोसिस करा देते हैं, उस सेल की डेथ करा देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो सेल बन जाए और उसमें कोई अमीनो एसिड गलत था और उसकी वजह से म्यूटेशन आ रही है, यही म्यूटेशन होती है, और उसकी वजह से पूरा सेल एबनॉर्मल बन जाए। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम होता है। तो अगर हमारे पास इस किस्म के किसी जीन में फेमिलियल इनहेरिटेड म्यूटेशन आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह की चेक एंड बैलेंस थी वो नहीं रहे हो सकेगी। फिर क्या होगा कि सेल्स में जब मसला आएगा तो वो मसले वाले सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उन्हें कोई रोकेगा नहीं, और जब मसले वाले सेल्स ही बनना शुरू हो जाते हैं तो कैंसर बन जाता है। ठीक है, और स्पोरैडिक टाइप वो होती है कि जिसमें आप कोई भी म्यूटेशन ही होती है लेकिन वो एक्वायर्ड होती है किसी इन्वायरमेंट की वजह, इन्वायरमेंटल फैक्टर से या हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है, लेकिन आपके जीन्स में नहीं आई। अब फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करते हैं तो 12% जो आपके ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो फेमिलियल इन नेचर होते हैं। ठीक है, आपने याद रखना कि इंक्रीज प्रोबेबिलिटी होती है फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स की उन लोगों में जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कैंसर होगा, मतलब यही मेरी सपोज मेरी मदर को है तो मेरे में इंक्रीज चांस होगा, रिस्क होगा कैंसर का, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री होगी मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर्स की, या फिर किसी और कैंसर, मतलब ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर में किसी ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी और कैंसर अगर उनकी फैमिली में है जो अक्सर लोगों को हो रहा है, तो मतलब ये कि उनमें भी म्यूटेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, देखा ये गया है कि जिस तरह नॉर्मली कैंसर्स में होते हैं ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन थी उनके सब किसी भी ट्यूमर सप्रेसर जीन में, सपोज हम कर लेते हैं कि TP53 है हमारा एक ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसमें ज़ाहिर है ये अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो इसके दो अलील्स हैं, एक ये अलील है और एक ये अलील है, ये इस अलील में अगर म्यूटेशन आ जाती है तो एक अलील अभी भी चल रहा है, एक चीज़ हमने इनहेरिट कर ली है, एक अलील अभी भी चल रहा है, ज़रा सी इसमें अगर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे में भी म्यूटेशन आएगी तो फौरन कैंसर बन जाएगा। तो इसीलिए ये बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं उनमें सब में जिनमें इनहेरिटेड म्यूटेशन आई है सब में कैंसर मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि किसी में ऑटोसोमल डोमिनेंट जिसमें होती है उसमें तो मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत म्यूटेशन पहले से आई भी होती है फैमिली के थ्रू और थोड़ी सी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐड हो जाती है, सपोज़ वो एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकर थी और अल्कोहल जो है वो आपको पता है बॉडी मेटाबॉलिज्म को काफ़ी डिस्टर्ब करती है, तो उसकी वजह से उसकी जो एक अलील रहती थी उसमें भी म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से फिर उसका कैंसर बन जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि पेनिट्रेंस एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि एक बंदी जिसको पहले से म्यूटेशन थी
उसमें कितना चांस है कि वो कैंसर डेवलप करेगी, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन है उसमें, लेकिन वो एक्वायर्ड म्यूटेशन उसमें शामिल होगी तो कितना चांस है कि उस कैंसर डेवलप करेगी, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन या फेमिलियल इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है उनमें चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन जीन्स इन्वॉल्व है इसमें वो हमारे चार हैं, BRCA1, ब्रेस्ट कैंसर, पता नहीं इसको एसोसिएटेड जीन कुछ इस तरह का नाम है इसका, ठीक है, फिर BRCA2, फिर हमारा TP53 है, एंड देन CHEK2। ये चार ऐसे जीन्स हैं विच आर ट्यूमर सप्रेसर इन नेचर, जो ट्यूमर्स को सप्रेस करते हैं, उनकी डीएनए की स्ट्रैंड्स को ठीक करते हैं, उनकी रिपेयर का काम करते हैं, और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स जहाँ हो रही होती है उसको रोक देते हैं। तो ये सारे इनके काम हैं, और अगर ये अपने काम छोड़ दें, इनमें म्यूटेशन आ जाए, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स नहीं रुकेगी, डीएनए की चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं BRCA1 और 2 की, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट होती है वो इनमें म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है, ये फिर भी लेस कॉमन है। BRCA1 और BRCA2 जो है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। जो हमारे पास ये वाला है, इट इज लोकेटेड ऑन, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसमें मैं बता रही हूँ, 17th नंबर क्रोमोजोम की जो लॉन्ग आर्म है Q, उस पे इट इज लोकेटेड ऑन 21st पोजिशन, और ये वाला है 13th क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म पे 12.3 पोजिशन पे। इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सिवाय इसके कि एमसीक्यूज में ये बात आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो जीन जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर इनकी मल्टीपल, जाहिर सी बात है, अमाइनो एसिड से ही मिलके बने हुए हैं। ये लार्ज जीन्स हैं, कुछ जीन्स होते हैं स्मॉल जीन्स जिनमें थोड़े अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ होते हैं लार्ज जीन्स जिनमें बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें हंड्रेड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। तो 100 में से किसी में भी म्यूटेशन आ जाए, एक से ज़्यादा में आ जाए, तो जाहिर सी बात है कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि जो BRCA1 टाइप कैंसर्स होते हैं वो देखा गया है कि दे आर वेरी पुअरली डिफ्रेंशिएटेड वन वाले, ठीक है, एक तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होंगे, और उसके साथ साथ जो इनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ है वो चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली दे आर ER नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, मतलब मैंने आपको बताया था जो मुश्किल टाइप होती है जिसमें दोनों नेगेटिव है, ER भी नेगेटिव है, HER2 भी नेगेटिव है, तो हमें समझ नहीं आता कि वट टू डू देन। तो BRCA1 की म्यूटेशन में ज़्यादातर इस तरह का पैटर्न आता है, और BRCA2 की जो म्यूटेशन है इट इज़ मोस्टली ER पॉजिटिव, तो ये भी उतना ज़्यादा फिर मसला नहीं होता जितना BRCA1 का होता है, लेकिन BRCA2 भी पुअरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये बाकी सारे मैंने आपको नाम लिए हैं ना, ये TP53, CHEK2, सिर्फ ये नहीं, और हमारे पास जो कुछ और जीन्स है, STK11 है, ATM है, ये सारे जीन्स को अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो इनका यही काम है कि इनने एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ DNA को रोकना है और ट्यूमर को सप्रेस करना है, और अगर नहीं कोई रोकेगा तो फिर ये DNA जो है वो ग्रोथ एबनॉर्मल होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूछा जाता है कि भाई BRCA1 और 2 ही क्यों ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड है, बाकी सारों का इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन क्यों नहीं है। तो याद रखना कि इस पर अभी स्टडीज़ हो रही हैं, कोई वेल डिफाइंड कॉज अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, सिर्फ उनने यही एक हाइपोथेसिस अभी तक प्रूव हुआ है कि शायद ये हो सकता है कि जो जीन्स, जो मतलब DNA ब्रेस्ट में सेल्स में है, जो ब्रेस्ट के सेल्स में DNA है, उनकी रिपेयर के लिए हो सकता है कि BRCA1 और BRCA2 ज़्यादा स्पेसिफिक हो। वैसे तो हमने कहा ना कि ये सारे के सारे जो हैं, जैसे TP53 एक जनरल ट्यूमर सप्रेसर है, किसी भी जगह पे इसने सेल को ठीक करना है, लेकिन ये देखा गया कि शायद BRCA1 और 2 जो है ये ब्रेस्ट के होने सेल्स में होने वाली म्यूटेशंस में ज़्यादा काम करते हों, ज़्यादा रोल देते हों ये वहाँ पे, इसलिए जब इनमें म्यूटेशन आती है तो ब्रेस्ट कैंसर की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। बिकॉज इसमें कोई शक नहीं कि जिनमें इन जीन्स में म्यूटेशन है उनमें पेनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर वो भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर। तो बहरहाल अभी इस पर रिसर्च जारी है। दिस इज फेमिलियल फॉर्म, अब बात करते हैं स्पोरेटिक फॉर्म की। अच्छा गाइस, जो स्पोरेटिक फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड म्यूटेशन, और फिर इसकी कॉज एक्वायर्ड किस तरह होंगे, मैंने जितने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं उसमें एक रिस्क फैक्टर सिर्फ जर्म लाइन म्यूटेशन था जो फेमिलियल में आता है, बाकी सारे एक्वायर्ड में आते हैं। कि आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल की है, ईस्ट्रोजेंस का एक्सपोजर है किसी भी वजह से बिफोर मीनोपॉज या आफ्टर मीनोपॉज, बिफोर मीनोपॉज फॉर प्रेगनेंसी, आफ्टर मीनोपॉज किसी भी कोई आपको बोन्स का इशू अक्सर होता है फीमेल्स को, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है तो वो ईस्ट्रोजेंस लेने लग जाती हैं तो कैंसर बढ़ जाता है, या फिर एज एट मेनार्की क्या थी, फर्स्ट लाइफ बर्थ की एज क्या थी, ओबेसिटी है कि नहीं है, रेडिएशन का एक्सपोजर कैसा है, कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट में कैंसर है कि नहीं, तो वो जितने मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे एल्स देन जर्म लाइन म्यूटेशन, वो सारे स्पोरेटिक ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे आपकी एक्वायर्ड म्यूटेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बातें थी इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स, और जो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है।
चाहे वो बिफोर मीनोपॉज हो या आफ्टर मीनोपॉज हो, अगर ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने का चांस होता है। और उसकी वजह जो इन्होंने बताई है वो ये है कि जब जब आपका ईस्ट्रोजन बॉडी में रिलीज होता है तो तब तक आपकी ब्रेस्ट के सेल्स की हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होता है। हमें पता है, हमने बात की थी कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन रिलीज होगा और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी होती है, जो जब जैसी वो स्टार्ट होती है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो साथ ही दोबारा से रिग्रेशन हो जाती है, फिर अगला साइकिल आता है, फिर ईस्ट्रोजन आता है, फिर से नए सेल्स बनते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बार बार एक चीज़ के असर में नए सेल्स बन रहे हो, फिर रिग्रेस कर रहे हो, फिर नए सेल्स बन रहे हो, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा चांस है कि उस जगह म्यूटेशन आ जाए और वहाँ पर जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल बनने लग जाए। तो इसीलिए ये तो एक नॉर्मल तरीका है जो नेचर ने शुरू किया है, जिसमें वो नॉर्मल तरीके से सेल्स बना रहे और उसमें चेक एंड बैलेंस है। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल एक्सपोजर ले रहे हैं ईस्ट्रोजन का, आप बाहर से भी लेना शुरू कर दें, तो फिर यही सेल्स जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाएंगे तो म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द रिपीटेड साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे एकदम ब्रेस्ट ग्रो करती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे एकदम ब्रेस्ट ग्रो करती है। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो चलो फिर भी किसी हद तक नॉर्मल नॉर्मल ही होती है ना, लेकिन जब बच्चा प्यूबर्टी अचीव करता है और जब प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम ब्रेस्ट बहुत इनलार्ज होती है एकदम से। तो उसमें उस टाइम अगर आपका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा है और आप ओरल भी किसी सूरत में ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो फीमेल जो प्रेगनेंसी करने के लिए ईस्ट्रोजन ओरली लेती हैं या ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगवाती हैं, उनमें कैंसर का डेवलपमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी सेटिंग में स्पेशली आई टोल्ड यू कि फीमेल्स डाइड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, कैंसर हो जाता है बाद में और मर जाती हैं। तो ये हमारा स्पोरैडिक ब्रेस्ट कैंसर था। अगली वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, डेवलपमेंट का भी तो कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।